हमें सरकार की सबसे बड़ी खामियां बता रहा हूँ। सरकार ने हम लोगों को कैसे गुमराह किया कि कोविड के नाम पर बोला कि आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती, एग्जाम नहीं कराया जा सकता। कोविड में जहाँ हजारों बच्चों की भीड़ में फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, जबकि फिजिकल और मेडिकल के बाद लड़के कम हो जाते हैं छठनी के बाद में, तो उनकी तादाद उतनी नहीं रहती है जिससे कोविड का कोई इफेक्ट रहता। लेकिन वो सुनिए पहले, तो कोविड का बहाना था, कोविड में देखो फिजिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, और भी जो सैनिक स्कूलों के जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनका एग्जाम हो सकता है, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, हमको ऐसे गुमराह किया गया। सरकार से ये क्या उम्मीद रखोगे, जिस सरकार के रक्षा मंत्री जिन पर देश की रक्षा का भार है उनको तक ये नहीं पता कि इस देश का प्रधानमंत्री, देश की जो आला कमान क्या करने जा रही है। कभी सरकार से मीडिया ने सवाल किया ही नहीं कि इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि ये लोग इतना जो अपना जोशी युवाओं में जोश है तभी आर्मी के लिए जा रहे हैं, ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। जो इतना सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, ये इतना हर तीसरे चौथे आदमी पर इस सरकार का कब्जा है, हर तीसरे चौथे आदमी पर इस आदमी का, इस सरकार का एक जासूस है जो उसकी जासूसी करता रहता है, लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर कोई किसी का ये नहीं देख रहा है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। इतना ही कहूँगा, ये सरकारें अपनी गलती को स्वीकारें करें और हमारी पेंडिंग भर्ती को पूरा करें, और जिन हमारे साथियों के साथ में जो FIR दर्ज कराई गई है गलत तरीके से, उनको वापस ले, उनको भी वर्दी देने का काम करें। दिया था एग्जाम नहीं है ना, हमने दिया है फिजिकल मेडिकल एग्जाम, हमको देना नहीं था। NCC सर्टिफिकेट होल्डर हुए हैं और मेरे जैसे तमाम भाई मेरे सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं यहाँ पर, जिनको एग्जाम देना नहीं था। एयरफोर्स ने तो एग्जाम वगैरह, एयरफोर्स का तो सब कुछ हो चुका था, केवल ज्वाइनिंग बचा था। अब मैं सरकार की सबसे बड़ी खामियां बता रहा हूँ, सरकार ने हम लोगों को कैसे गुमराह किया कि कोविड के नाम पर बोला कि आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा सकती, एग्जाम नहीं कराया जा सकता। लेकिन उसी सरकार ने कोविड में जहाँ हजारों बच्चों की भीड़ में फिजिकल कराया, मेडिकल कराया, जबकि फिजिकल और मेडिकल के बाद लड़के कम हो जाते हैं छठनी के बाद में, तो उनकी तादाद उतनी नहीं रहती है जिससे कोविड का कोई इफेक्ट रहता। लेकिन वो सुनिए पहले, तो कोविड का बहाना तो उनका इतना था कि कोविड के बहाने हमको बोला कि तुम्हारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, नहीं कोविड में देखो फिजिकल हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, और भी जो सैनिक स्कूलों के जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उनका एग्जाम हो सकता है, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती, हमको ऐसे गुमराह किया गया। फिर जब राजनाथ जी के पास गए, जब बच्चे अपना प्रस्ताव लेके कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, तो राजनाथ जी ने बोला कि आपकी भर्ती होगी 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 होगी, चार बार बोला उन्होंने, और ऐसे ही नहीं बोला, लिखित में भी दिया कि मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ये प्रूफ भी हमारे पास कि राजनाथ जी ने ये बोला कि आपकी भर्ती होगी। क्योंकि इससे इस सरकार से ये क्या उम्मीद रखोगे, जिस सरकार के रक्षा मंत्री जिन पर देश की रक्षा का भार है उनको तक ये नहीं पता कि इस देश का प्रधानमंत्री, देश की जो आला कमान क्या करने जा रही है, इसका नतीजा क्या होने वाला है। अग्निपथ की आर्मी ये सारी भर्तियां रद्द कर देगी, उनको भी शायद ये नहीं पता होगा कि मेरा वचन ये झूठा जाएगा। लेकिन इस बात पर न तो कोई मीडिया दिन तक सवाल करती है, मीडिया क्या करती है, अग्निपथ का विद्रोह, अग्निपथ की अग्निपथ अग्निवीरों ने बचाया उग्रवाद, ये तमाम ये ट्रेनें जला दी, ये बचा, लेकिन मीडिया कभी ये सरकार से सवाल नहीं पूछने जाती है इसका मूल कारण क्या है। कभी सरकार से मीडिया ने सवाल किया ही नहीं कि इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि ये लोग इतना जो अपना जोशी युवाओं में जोश है तभी आर्मी के लिए जा रहे हैं, ये सरकार को नहीं भूलना चाहिए। जो जिसके अंदर जोश ही नहीं होगा वो आर्मी जाएगा कहाँ से, और वही जोश जब उनका गलत जगह इस्तेमाल हुआ, गलत जगह कब हुआ, जब उनकी भर्ती को रद्द किया गया, अग्निपथ की आड़ में भर्ती खत्म कर दी गई, तो उनका जोश हो सकता है कुछ लोगों के उसमें आकर के उन्होंने कुछ कुकृत किए, जोश खत्म हो गया, उस कुकृत उन पर सहन नहीं हो पाए, कुकृत हुए उनसे जो नहीं होने चाहिए, लेकिन उसका मूल कारण कभी मीडिया ने सवाल करके सरकार से नहीं पूछा। ये हमारे देश की मीडिया बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। अब इसको तो मैं क्या बोलूँ, सारा देश जानता है। अब मैं बोलूँगा तो मैं कोई ज़्यादा उससे कुछ होने वाला है नहीं। बात यह है कि बिल्कुल इतना सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, ये इतना हर तीसरे चौथे आदमी पर इस सरकार का कब्जा है, हर तीसरे चौथे आदमी पर इस आदमी का, इस सरकार का एक जासूस है जो उसकी जासूसी करता रहता है। लेकिन यहाँ पर जमीनी स्तर पर कोई किसी का ये नहीं देख रहा है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन कैसे अपना जीवन यापन कर रहा है, किसका परिवार चल रहा है,
एक लड़का तो मेरे पास कॉल आया था उसका, वो आंदोलन में नहीं आ पाया बेचारा, उसकी इतनी हालतें खराब थी, उसकी घर का स्तर इतना खराब गिरा हुआ था, वो मुझसे बोल रहा था भैया मैंने सिर्फ अग्निवीर जो ये जिस समय हमारी अग्निवीर आई थी उस समय जो हमारी भर्ती कैंसिल हुई थी उस समय सिर्फ एक स्टेटस लगा दिया था सरकार के खिलाफ कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है। तो आगरा का था वो लड़का, तो बोला था कि आगरा पुलिस ने मेरे पास मुकदमा दर्ज कर दिया और आज तक मैं उसकी तारीखें कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे लोगों की जोश को दबाया है, ऐसे युवाओं की जोश को दबाया है सरकार ने, इस जोश को ये नहीं मालूम कि ये जोश दब गया जो युवाओं का तो इस देश कभी भी खतरे में पड़ सकता है। जो युवाओं का जोश दब गया, ये गुलामी जब हमारे ऊपर आएगी, जब इसमें भगत सिंह पैदा ही नहीं हो पाएगा तो लड़ना कौन सीखेगा। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा ये सरकारें अपनी गलती को स्वीकारें करें और हमारी पेंडिंग भर्ती को पूरा करें और जिन जिन हमारे साथियों के साथ में जो FIR दर्ज कराई गई है गलत तरीके से उनको वापस ले, उनको भी भर्ती देने का काम करें।